हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एसएससी किरण 10,500 प्लस इस बुक से आपने कमेंट्स किया है इसका सलूशन देने के लिए। और जो कमेंट्स पहले किए हैं अलजेब्रा का टाइप 5, तो जो पहले कमेंट्स किए हैं हम अलजेब्रा टॉपिक का ही टाइप 5 में टोटल 4 ही क्वेश्चंस मात्र है, तो 4 ही क्वेश्चंस हम करा देते हैं, मात्र 10 मिनट के आसपास भी नहीं लगेगा। तो देखिए, अलजेब्रा का जिसे बीजगणित हिंदी में बोलते हैं, टाइप 5वां का पहला क्वेश्चन है संख्या फैक्टोरियल 15/100 में, डेट मीन्स फैक्टोरियल 15 में 100 से भाग देने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 5, 7, 3 और 0, ये चारों ऑप्शन आपका दिया गया है। एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई ऑनलाइन परीक्षा 5 जून 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 15 को 100 से भाग देना है, तो फैक्टोरियल 15 को आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस प्रकार से 6। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लास्ट कितना होगा, या पूरा लिख ही देते हैं, कितना होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट 15। ये छोटा है तो हमने लिख दिया। और अगर जो 100 तक होता, फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 200, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, कितना तक लिखते, इस प्रकार से 15 तक है तो 15 लिखते। अगर जो ये आपका 1000 रहता तो लास्ट में डॉट 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 करके 1000 लिखते। यहाँ पर छोटी संख्या 15 तक है तो 15 तक हम लिख भी सकते हैं। इसको 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग देना है, डेट मीन्स कहने का मतलब, पहले देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 और 2, तो 5 2 ये मिलाकर 10 हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो पूरा आपका कैंसिल हो गया, यानी कि शेष आपका कितना होगा, शेषफल 0 होगा। और 0 आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, तो 0 ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, ये 0 है जो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है। इसको और भी डिटेल से हम समझा सकते हैं, जैसे देखिए, अगर जो आपको दूसरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, 24 को आपको 24 में 6 से भाग लगाना है तो कितना शेष आएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार से भाग लगाते हैं 24 में 6 से, तो 6 चौके 24 होता है, तो शेषफल कितना होता है 0, मतलब यही आपका शेष होता है, तो डायरेक्ट आप 0 लिखते हैं। लेकिन दूसरा तरीका इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब 2 गुना 3 गुना, तो 2 3 6 हो गया, फिर 2 गुना 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मतलब 2 3 6 2 12 और 2 2 24, इस प्रकार से, यानी कि गुणनखंड के रूप में, और बटा 6, तो 2 गुना 3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मतलब पूरा पूरी कैंसिल हो गया। डेट मीन्स कहने का मतलब, इस प्रकार से भी आप बोल सकते थे कि शेष कितना हो गया 0, तो जब पूरा पूरी कैंसिल हो जाता है तो शेषफल 0 होता है, आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर कितना होगा 0, और 0 ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस 30 अप्रैल 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन होगा। एक टोकरी में 222 लाल गेंद है, एक लड़का उसमें से 6 लाल गेंद निकाल लेता है और उनके स्थान पर 12 सफेद गेंद रख देता है। ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक सभी लाल गेंदों के स्थान पर सफेद गेंद ना हो जाए। टोकरी में रखी गई सफेद गेंदों की संख्या बताइए। बहुत ही इजी है, देखिए 6 लाल गेंद निकालता है, उसके स्थान पर 12 सफेद गेंद रखता है। डेट मीन्स कहने का मतलब, 6 लाल गेंद बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चंस में, 12 सफेद गेंद, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यानी कि किसी थैला में 6 लाल गेंद निकालता है उससे, तो 12 सफेद गेंद उसमें रख देता है। तो अगर जो एक लाल गेंद निकालेगा, तो एक लाल गेंद निकालेगा तो कितना सफेद गेंद रखेगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 12/6, डेट मीन्स बोल सकते हैं कि 2 सफेद गेंद रखेगा। डेट मीन्स अब क्वेश्चन आपका है कि यदि वह, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वह थैला में कितना, टोटल टोकरी में 222 लाल गेंद है, यानी कि 222 आपका लाल गेंद है, यानी कि 222 लाल गेंद है, तो टोटल कितना सफेद गेंद होगा, यानी कि 222 लाल गेंद उसमें से निकाल लेगा, तो यानी कि एक लाल गेंद का वैल्यू 2 सफेद गेंद, मतलब डबल हो रहा है, तो 222 का दुगना कितना होगा, डेट मीन्स बोल सकते हैं 2 गुना 222 या 222 गुना 2, यानी कि 444 गेंद। यूनिटरी मेथड जिसे एकक नियम बोलते हैं, उससे भी आप बोल सकते हैं, यही लग रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है फैक्टोरियल 129 में। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीए परीक्षा प्रथम पाली 22 मार्च 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी है, हम आपको इसका
पूरा कंसेप्ट और जो एग्जाम्पल्स होता है, एक्सरसाइज होता है, सभी करा चुके हैं फैक्टोरियल वाले चैप्टर में। जो आपका एक बुक होता है राकेश यादव सर का एडवांस गणित के नाम से, उसका हम सोल्यूशन भी दे रहे थे, तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर बता दिए हैं। आप जो नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है तो कमेंट्स बॉक्स के पहले ही आपको, या आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक दिया रहेगा, वहां पर से आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो। दैट मींस फैक्टोरियल का सारा कंसेप्ट, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और इससे बहुत कड़ा कड़ा क्वेश्चंस भी हमने कराया हुआ है। ये तो बहुत इजी है। देखिए फैक्टोरियल 130 में शून्य अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्य किससे किससे बनता है, दो और पांच से। मतलब दो और पांच का गुणनफल करने पर 10 होता है, मतलब शून्य का बनने के लिए दो और पांच होना है। तो दो और पांच में जिसकी संख्या कम होगी उतना शून्य अंकों की संख्या होगी। तो 129 फैक्टोरियल में एक गुना दो गुना तीन गुना इस प्रकार से 129 तक लिखेंगे, तो इसमें आपको ऑब्वियस बात है, साधारण बात है, सभी लोग जानते हैं कि पांच की संख्या कम होगी। तो पांच की संख्या हम निकालते हैं, दो की संख्या ज्यादा होगी, आप ऐसे भी जानते होंगे। तो जिसकी संख्या कम होती है उतना ही शून्यों की संख्या होती है। तो पांच की संख्या निकालेंगे, तो पांच की संख्या देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, 129 को इस प्रकार से विभाजित करते हैं पांच से, तो क्या हो जाएगा, पांच दुनी दस और पचे पच्चीस, पच्चीस पचे पच्चीस, से जो भी भागफल होता है, क्वेश्चन होता है, उसको लिखते हैं। फिर पांच से लगाएंगे तो पपचे पच्चीस, फिर पांच से लगाएंगे तो पांच एकम पांच। अब ये जो भी हुआ, डेट मीन 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि कहने का मतलब 25 प्लस 30 और 1 31, यानी कि 5 पे पावर कितना हो गया, 31। तो 5 का घात 31 हो गया, तो यही आपका 31 हो जाएगा शून्य अंकों की संख्या, मतलब 31 शून्य हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। तो 31 आपको ऑप्शंस नंबर दिया गया है, ये एक नंबर ऑप्शंस। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम कराए हैं, अगर जो कॉमेंट्स बॉक्स में जो भी हम टैग करके रख देंगे आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 4, लास्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 4 टाइप 5 का क्वेश्चंस नंबर 4 आपका पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 10 प्लस 2 टियर 1 सीवी परीक्षा थर्ड शिफ्ट 27 मार्च 2018 का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फैक्टोरियल का सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट मींस कहने का मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, फैक्टोरियल एन बराबर आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब एक गुना दो गुना तीन गुना इस प्रकार से डॉट डॉट गुना एन, एक गुना दो गुना तीन इस प्रकार से एन तक लिखेंगे फैक्टोरियल एन। अगर जो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल एक लिखना है तो एक ही लिखेंगे, फैक्टोरियल एक का मान एक होता है। फैक्टोरियल दो का मान कितना होगा, एक गुना दो, कहने का मतलब दो। फैक्टोरियल का दो चिन्ह होता है, एक चिन्ह इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल दो को एक गुना दो मतलब दो हो गया, फैक्टोरियल तीन कहने का मतलब एक गुना दो गुना तीन, तो इसका मान कितना हो जाएगा छह। फैक्टोरियल चार का मान कितना होगा, तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार कहने का मतलब 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से फैक्टोरियल पांच का मान कितना हो जाएगा, एक गुना दो गुना इस प्रकार से पांच तक करेंगे तो 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल छह का मान कितना होगा, एक गुना दो गुना इस प्रकार से छह तक करेंगे तो 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल सात का मान कितना होगा, एक गुना दो गुना इस प्रकार से सात तक करेंगे, कहने का मतलब जीरो, सब दूनी चौदह, चार बाकी एक, यानी कि 5040 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको फैक्टोरियल 5 तक 6 तक आपको ध्यान रखना है, और एक और भी ध्यान रखना है, फैक्टोरियल जीरो का मान एक होता है, ये भी आपको याद ही रखना है। तो इस प्रकार का बेसिक है, जो बेसिक आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कि देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 के बाद से या फैक्टोरियल 5 में ही 120 है, मतलब इकाई अंक जीरो है, तो फैक्टोरियल 5 के आगे जो भी रहेगा कितना ही बड़ा संख्या क्यों नहीं हो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 इस प्रकार से आगे जो भी संख्या है सभी के अंत में शून्य है। देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 120 है तो अंतिम में शून्य है, इकाई का अंक शून्य है। फैक्टोरियल 6 का मान है 720 तो इकाई का अंक शून्य है। फैक्टोरियल 7 का मान है 5040 तो इकाई का अंक शून्य है। तो फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक शून्य होता है। अब यहाँ देखिए हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, हम यहाँ बता भी चुके हैं, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, तो 24 का इकाई का अंक हम 4 लेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेना है तो 4। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है तो इकाई का अंक 0 लेंगे। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 तो इकाई का अंक 0 लेंगे। इसी प्रकार से आगे जो भी संख्या रहेगा सभी का इकाई का अंक 0 होगा।
अब हम इसे ऐड करेंगे, डेट मीन्स कहने का मतलब एक दो तीन, तीन और छह नौ, नौ और चार तेरह, तेरह और जीरो, तेरह और जीरो कहने का मतलब तेरह ही होगा, तो तेरह का इकाई का अंक कितना हो गया तीन। आपको इकाई का अंक पूछ रहा था तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तेरह का इकाई का अंक कितना है तीन, तो हम इकाई का अंक बराबर कितना लिखेंगे तीन, और ऑप्शन नंबर तीन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है तो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन ये कितना था, टाइप आपका था पांच, टाइप पांच का क्वेश्चन नंबर लास्ट है चार, और तीन दिया गया है ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है तीन, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर चार तक ही दिया गया था टाइप पांच में, अलजेब्रा का हमने सॉल्यूशन दिया है टाइप पांच का, और नेक्स्ट वीडियो आपको करा देंगे टाइप छह का भी, हो सकता है कल के बाद परसों भी वो आ सकता है वीडियो, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा नहीं है, इसलिए कल एब्सेंट भी हम रह सकते हैं, लेकिन कल कोई ना कोई दूसरा वीडियो जो हाइट एंड डिस्टेंस का है वो आपको मिल जाएगा। तो अलजेब्रा का टाइप सिक्स वाला वीडियो हम नेक्स्ट के नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।